वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमजान माह रहमान की सहरी ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली मोहसिन। ब्रेक में जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोफेसर सैयद अली अब्बास हुसैनी साहब से। प्रोफेसर, वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, इरशाद फरमाइएगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि तज़किया नफ्स बुनियादी तौर पर रमजान का जो नफ्स मज़मून है वो तज़किया है, सही पाक होना है। अब आप रोजे की हालत में हैं तो यकीनन गली बाजार में निकलते हुए जब गैर महरूम की तरफ निगाह उठेगी तो यकीनन आप निगाह को झुकाएंगे, दूसरी निगाह से परहेज करेंगे, सही एक प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल इसी सही। तरह टीवी पे कोई चैनल लगा हुआ है तो आप उसको चेंज करेंगे कि भी मैं रोजे से हूँ, मैं ऐसी वैसी चीज़ नहीं देख सकता इस वक्त, सही। इसी तरह गुफ्तगू करते हुए आप गाली गलौज से परहेज करेंगे और किसी का दिल दुखाने से बहुत ज़्यादा परहेज करने की कोशिश करेंगे। और इसी रेफरेंस से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही रमज़ान के दिन थे और खुश नसीब सहाबा हुजूर के संग रोज़े की जो लज्जात है ना उनसे फैजियाब हो रहे थे। सुभान अल्लाह। हुजूर ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो सरकार ने फरमाया आमीन, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा सरकार ने फरमाया आमीन, फिर जब तीसरी निशस्त पे तशरीफ रखने लगे तो फिर हुजूर ने फरमाया आमीन, सही। उसके बाद जुमतुल मुबारक का सिलसिला चला, खुतबा हुआ, नमाज हुई, सहाबा हुजूर के गिर्द बैठ गए, हुजूर के चेहरे मुनव्वर से अपनी जो है बसारतें उनको फैजियाब करने लगे। तो पूछा या रसूल अल्लाह, कोई कलाम नहीं हुआ, कोई दुआ नहीं हुई और आपने तीन दफ़ा आमीन कहा। तो हुजूर ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन एक दुआ कर रहे थे, अल्लाह अकबर, ऐ अल्लाह गारत कर उस शख्स को जिसको वालिदैन में से दो में से एक मिले और वो उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत को लाजम कर ले। तो मैंने कहा आमीन। जब मैंने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर जिब्रील ने कहा कि गारत हो वो शख्स जिसके सामने अल्लाह के महबूब मोहम्मद का नाम आए और वो उस पर दरूद न भेजे। फिर जब मैंने तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील ने कहा गारत हो वो शख्स जिसको रमजान के दिन मिले और वो उनमें रोजा रख के और इबादत करके अपने रब से अपने गुनाहों की मगफरत न करवा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तीन कैफियात हैं, तीन दुआएं हैं, इनमें दुआ करने वाला जिब्रील अमीन है और आमीन करने वाले रहमतुल आलमीन हैं। खूब। अब इन दिनों के हवाले से मैं अपने नाज़रीन और सामईन को ये नसीहत ज़रूर करूँगा कि ये तीन चीज़ें अगरचे अलहदा पेश हुई हैं मगर रोज़े में तीनों चीज़ों को यकजा किया जा सकता है। बेशक आप रोज़े की हालत में अगर अपने बूढ़े बाप के की टांगों को दबा रहे हैं, रोज़े की हालत में अपनी अम्मा को कपड़े इस्त्री करके दे रहे हैं, रोज़े की हालत में अपनी माँ के साथ मिलके अपने बाप के साथ मिलके अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, फिर उनके वजू के लिए इत्माम कर रहे हैं, क्या बात, फिर रात को उनकी सहरी के लिए इत्माम कर रहे हैं, तो यकीनन आपने अपने गुनाहों को बख्शवा लिया, सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर पूरा दिन जितनी दफा भी आपके सामने नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो आपने दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में भेज दिया तो गोया आपने अपने ऊपर जहन्नम को हराम करवा लिया। और तीसरी कैफियत ये है कि रमजान के जो बुनियादी मकासद हैं उनमें ये भी आप याद रखें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है कि सरकार ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपने मामूलात को तर्क नहीं करना, बल्कि जिस तरह आप दिनों आम दिनों में आप रेगुलर एक काम को जारी रखते हैं, कारोबार करते हैं, बच्चों को स्कूल लेके आते जाते हैं, उसके अलावा अपने मामूलात जिंदगी को जारी उसाई रखते हैं, इसी तरह रोजे की हालत में भी उसको जारी रखें, यानी नॉर्मल नजर आना, रोजा रखे हुए प्यास का इजहार नहीं करना, भूख का इजहार नहीं करना, अपने आप को कमजोर नहीं शो करना बल्कि बिल्कुल हशाश बशाश नजर आना है। तो कहा कि रमज़ान में जिसको रोज़े रखने नसीब हुए और रमज़ान की इबादत करने की तौफीक मिली तो जिसने उस तौफीक को बरूए कार लेके जो आ गया ना तो वो बख्शा गया, जहन्नम से वो आज़ाद हो गया। अब इसमें हमें बैक वक्त अपने माँ बाप की खिदमत का मौका भी मिलता है, फिर हमें क़यामुल लैल का भी मौका मिलता है, नवाफिल में कसरत का भी मौका मिलता है, हुज़ूर पे बकसरत दुरूद भेजने का भी मौका मिलता है और फिर हर नमाज के साथ हम अपने प्यारे भाई को मुस्कुरा के मिलते हैं तो मुस्कुराहट भी सही है। रोजे में टेंस नहीं होना, क्या बात, टेंशन नहीं लेनी, बल्कि हर नमाज पे जो भाई आपको मिलेंगे जब आप उनको मुस्कुरा के मिलेंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कितना पाक है वो खालिक जिसने मुझे रोजादार कर दिया, क्या बात, और आप सबको नमाजी कर दिया, तो जब उसको आप मुस्कुरा के मिलोगे तो वो सदका हो जाएगा और रोजे की हालत में सदका 70 गुना ज्यादा अजर रखता है। और सदका तो रद्दुल बला, सदका बला को रद्द करता है, जब आप सदका करेंगे ना तो बलाएं रद्द होती चली जाएंगी। सुभान अल्लाह। मैं यहाँ से इसी सवाल से मुतसिल एक मुख्तसर सा
आप सवाल और मुख्तसर से मैं जवाब आपसे चाहूँगा कि वैसे तो हर खिलाफ़ शरा चीज़ आम ज़िंदगी में भी बना है और रोज़ा में तो बकदरे उला उसकी सख्त अहमियत बन जाती है। चीदा चीदा बड़ी बड़ी चीज़ें जिनसे ख़ास तौर पर मोहतात रहने की ज़रूरत है रोज़ादार को, उनके बारे में इरशाद फरमाइए। सबसे बुनियादी चीज़ गइबत है। अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम रहमतुल्लाह ताला जब किसी मजलिस में जाते और देखते कि लोग गुफ्तगू में किसी शख्स की बुराई कर रहे हैं तो सख्ती से टोकते। अल्लाह करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की मजलिस में आया है सहाबा गइबत से बचो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह गइबत क्या है? कहा अपने भाई की पीठ पीछे बुराई करना। अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर उसमें बुराई हो तो फिर फरमाया यही तो गइबत है, उसमें बुराई नहीं और आप पीठ पीछे उसकी बुराई बयान कर रहे हो, ये गइबत है। अगर उसमें बुराई नहीं है और फिर आप गइबत कर रहे हो तो ये तो एक और चीज़ होगी। इसके अलावा मजीद कुछ अहम चीज़ों के बारे में फरमाइएगा जिनसे खास तौर पर मोहतात रहने की जरूरत है। उसमें सबसे पहले आँख का पर्दा है। अल्लाहु अकबर। आँख को इस्तेमाल करने में मोहतात हो जाना चाहिए। और ये जुबान है, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे थे ना, इसको पकड़ा हुआ था, ये उंगली से मार रहे थे, सैयदना उमर गुजरे अर्ज की अमीरुल मोमिनीन ये क्या कर रहे हो? कहा इसको नसीहत कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज है जो मुझे अर्शे मौला पे भी उठा सकती है और मुझे कारे मजलत में भी फेंक सकती है। अल्लाह जुबान का इस्तेमाल वैसे भी हमारे तसव्वुफ में सिद्क मकाल है। क्या बात है, रिज़्क हलाल है। और फिर आगे फनाफ शेख फनाफ रसूल फनाफिल्ला की बात होती है। इसी तरह रोजा, बिल्कुल ये एक इस्लामी हवाले से मैंने कहा ना कि ये पूरे 11 महीने के लिए ये तैयारी है। बिल्कुल सही। जो इन 30 दिन में आपकी आदत बन जाएगी वो आगे 11 महीने भी आप उस पर अमल पर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े हुस्न खूबी से आपने ये सारी बात जो है इसकी तशरीफ फरमाई। नादरीन मोहतरम, यहाँ शामिल करते हैं प्रोग्राम में नजराना नाद, नात रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तशरीफ फरमा है हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब। हाफिज साहब, क्या पेश फरमाइएगा? अमीर मिनाई का लिखा हुआ कलाम उसकी बारगाह में पेश करने की सआदत। माशाल्लाह। याद जब मुझे को मदीने की फजा आती है, अल्लाह सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। सुभान अल्लाह। सांस लेता हूँ गुलामाने मुहम्मद के गुलामों का गुलाम, खाक हूँ खाक को बिछने की अदा आती है। खूब है, माशाल्लाह। खाक हूँ खाक को बिछने की अदा आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दावरे हशीर ने ये के मुझे बख्श दिया। अल्लाह अकबर। के खूब तुझको मेरे प्यारे की सना आती है। खूब तुझको मेरे प्यारे की सना आती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फर्श पर होता है
जब जिक्रे रसूल अर्शे हक से भी क्या बात दुरूदों की सदा अल्लाह आती है। अल्लाह अल्लाह क्या कह रहे हैं। अर्शे हक से भी दुरूदों की सदा सुभान अल्लाह सुभान आती है। याद जब मुझे सुभान अल्लाह रौज़ाए पाक पे सब जब्त नफस करते गए बेशक इस गुलिस्तान में दबे पाओ हवा अल्लाह अल्लाह आती है। अल्लाह अकबर इस गुलिस्तान में दबे पाओ हवा आती है। याद जब मुझको मदीने की फजा आती है सांस लेता तो जन्नत की हवा क्या बात आती है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना जो हज़रत अमीर मिनाई रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम आपने समाअत फरमाया खूबसूरत अंदाज में हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात का नजराना पेश किया। नाज़रीन मोहतरम अब हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं इस पैगाम के साथ कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह की बरकतें रहमतें इज्जतें उरूज पर हैं। हमें चाहिए कि इस मौका से खातिरखा फ़ायदा उठाएं। फिर मालूम तो किसी को भी नहीं कि ये घड़ियां बाद में नसीब होती हैं कि नहीं होती। हमें चाहिए कि जो मौजूद है और जिसका फ़ायदा उठाने की सलाहियत और इस्तेदाद अल्लाह ने हमें इस रमज़ानुल मुबारक में अता की है इस मौका को गनीमत जाने और कोई लम्हा कोई घड़ी और कोई साथ गफलत में बसर ना हो। हर लहजा हर साथ हर लम्हा तमाम औकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में सर्फ हों हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के फरमुदात आलिया की रोशनी में बसर हों और ख़ुसूसन जो मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनकी रोशनी में हमें भी ये लम्हात सही तरीके से अदा करने की तौफीक अल्लाह की बारगाह से अता हो जाए। इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त से कबल मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने मौजूद मेहमानों का प्रोफेसर सैयद अली अब्बास हुसैनी साहब आपका तशरीफ़ लाए बड़ी आपकी नवाजिश हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब आप तशरीफ़ लाए बड़ा मैं आपका शुक्रगुजार हूं आपने इस प्रोग्राम को बड़ी जीनत बख्शी। नाज़रीन मोहतरम इसके साथ ही हमारा आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।